कल आपने कहा कि मैं खुद को इस मूवी का कैरेक्टर मान रहा हूँ, जबकि मैं वो स्क्रीन हूँ जिस पर यह मूवी प्रोजेक्ट हो रही है। इस बात से मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। इस चीज़ ने मुझे बेचैन कर दिया है। अगर मैं स्क्रीन हूँ तो जो भी कुछ हो रहा है वो सब पहले से ही तय होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो क्या मेरी इच्छा या फ्री विल जैसी कोई चीज़ नहीं होती? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं कुछ करता ही नहीं हूँ? इस सवाल का जवाब तुम्हें बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इससे तुम्हारे झूठे मैं को खतरा है, तो वो इससे बहुत डिस्टर्ब होगा। तो सुनो, अगर तुम खुद को शरीर या मन मानते हो तो नहीं, यहाँ कोई भी चीज़ पहले से तय नहीं है और तुम्हें अपनी इच्छा से काम करना ही होगा, और तुम ही सब कामों के करता हो, यानी तुम ही उन्हें करते हो। ज़्यादातर लोग खुद को शरीर और मन मानते हैं, तो अगर वो किसी से पूछते भी हैं कि क्या मैं करता नहीं हूँ, तुम क्यों ऐसा सोचते हो, नहीं वो मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए, तो ऐसे आदमियों को यही जवाब मिलेगा कि तुम ही करता हो, तुम ही ये सब काम कर रहे हो, तुम्हारी अपनी इच्छा है। पर अगर तुम खुद को शरीर या मन नहीं मानते हो और वो मानते हो जो तुम असल में हो, यानी वो स्क्रीन जिस पर ये मूवी प्रोजेक्ट हो रही है, तो हाँ, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो पहले से तय है, वो स्क्रिप्टेड है, और इन सब कामों के तुम करता नहीं हो। कोई भी काम तुम नहीं करते, कोई फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, तुम केवल फिटनेस हो। अब तुम ही बताओ कि मूवी के अंदर जो हो रहा है उसमें स्क्रीन का कोई हाथ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, तुम्हें अंदर से चटपटाहट भी महसूस हो रही होगी, और क्यों ना हो। अगर तुम खुद को शरीर या मन मानते हो तो तुम झटपटाओगे, क्योंकि तुम्हारे एग्जिस्टेंस पे सवाल किया जा रहा है। पर अगर तुम खुद को शरीर या मन नहीं मानते और वो विटनेस मानोगे जो इन्हें देख रहा है, तो तुम देखोगे कि ये मन छटपटा रहा है, क्योंकि उसकी असलियत सामने आ रही है। अगर तुम एक बहरूपिये की जांच पड़ताल करो तो वो बहरूपिया घबरा जाएगा, वो छटपटाएगा, और ज़्यादा पूछताछ करने पर वो भाग जाएगा। यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है, या मैं ऐसा कहूँ, ये तुम्हारी ईगो के साथ हो रहा है, तुम्हारे अहंकार के साथ हो रहा है, तुम्हारी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस के साथ हो रहा है। वो तड़प रही हैं क्योंकि उनका राज खुल रहा है, और राज क्या है कि वो एक झूठ है और हकीकत कुछ और ही है। अगर मैं करता नहीं हूँ तो फिर मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत। अगर सब कुछ अपने आप ही हो रहा है तो हो जाएगा, मैं क्यों कुछ करूं। और अगर मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो पाप क्या और पुण्य क्या, फिर मैं कितने भी पाप क्यों ना कर दूं, मुझे दंड क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने तो वो किया ही नहीं और वो तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो जब वो मैंने किया ही नहीं तो उसकी पनिशमेंट मुझे क्यों मिले, मैं तो करता नहीं हूँ। ये सवाल भी तभी आता है जब तुम खुद को शरीर या मन मानते हो, क्योंकि जिसे तुम मैं मानकर ये कह रहे हो कि मैं कुछ करूँ ही नहीं, वो शरीर और मन है, तुम नहीं। तुम कहते हो कि अगर मैं कुछ करूँ नहीं, बैठा रहूँ, पर इसमें जिसे तुम मैं कह रहे हो वो मैं है ही नहीं। करने दो शरीर और मन को जो भी वो करते हैं, तुम क्यों ध्यान देते हो। और रही पाप पुण्य की बात, तो जो खुद को कर्ता मानेगा या जो मानेगा कि उसने ही ये काम किए हैं, तो उसे पाप और पुण्य भी भोगने होंगे। पर जो खुद को कर्ता मानता ही नहीं है तो उसके लिए क्या पाप क्या पुण्य। पर ये याद रखना कि इधर मैं जो कर्ता मानने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने ये सुन लिया और मान लिया, नहीं। तुम्हें ये बात कि तुम कर्ता नहीं हो को रियलाइज़ करना होगा, अनुभव करना होगा। आप कह रहे हैं कि जो शरीर और मन करते हैं उन्हें करने दूं, पर मैं ध्यान ना दूं। पर अगर मैंने किसी काम पर ध्यान ही नहीं दूंगा तो वो होगा कैसे। तुम जिसे मैं बोल कर कह रहे हो कि अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो काम होगा कैसे, वो मैं मन है, तुम नहीं। अगर किसी काम में मन इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो वो काम अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। पर क्या तुम मन हो, नहीं। तुम वो हो जो मन को भी देख रहा है, पर तुम खुद को मन मान रहे हो। शरीर से भी ज़्यादा अटैचमेंट मन से होता है। एक बार को किसी को शरीर से अलग होने का एक्सपीरियंस हो भी गया तो भी हो सकता है वो खुद को मन ही मान रहा हो। उसके मन में ख्याल आते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। इसका मतलब कि वो खुद को अभी भी मन मान रहा है। मतलब मैं जिसे अब तक मैं कह रहा हूँ वो मन है, हाँ वो मन है। तो ये मन है क्या और इससे आइडेंटिफिकेशन कैसे हटा सकता हूँ मैं। ये जवाब कल के लिए रखो। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं, थोड़ा तो और बैठिए। मैंने जितना तुम्हें बताया है पहले उस पर चिंतन करो, उस पर सोचो, ध्यान दो, और तब तक के लिए अपने अगले सवाल बचा कर रखो।